आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका फोर टी वी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। बडगाम के करालपुरा में माइग्रेंट कॉलोनी में पुरअसरार धमाका, पुराना शैल फट पड़ा, इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस की तौसीक। दहलीसियर कार ने आज तक कभी सच नहीं कहा, ये हमेशा झूठ बोलती है, खवातीन विंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास से शमीमा फिरदौस का खिताब। दो अगस्त साल 2019 में रामबन धमाका केस में की गई पेशरफ्त, गोल मामला में दो अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सात मुहर्रम के मौके पर आजादाराना जुलूस का अहतमाम, शहदाए करबला को पेश की गई सलामी, तहजिए किए गए बरामद। पुंछ के दाना इलाका में बरकी शाख से खातून हलाक, मुकामी लोगों ने किया एहतजाज, बिजली महकमा पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। कश्मीर में न्यू होम स्टे सेहती पॉलिसी को किया लॉन्च, श्रीनगर में मुकामी लोगों ने किया इस्तकबाल। नाजरीन खबरें आप तफसील से। बडगाम के करालपुरा में आज एक पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके बाद यहां कुछ वक्त के लिए खौफ का माहौल पैदा हो गया। तहम इस धमाका से मुतल्लक एसएसपी बडगाम ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक करालपुरा की माइग्रेंट कॉलोनी में आज सुबह करीब 7:30 बजे एक पुराना शैल फट पड़ा। तहम इस वाक्य में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। मजदूरी कर रहे हैं आप जी तो जी आपको इंशाल्लाह आज तो सूचने में नाजरीन, 2 अगस्त साल 2019 में पेश आए रामबन धमाका केस में पुलिस ने दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन गोल के हदूद में वाकया पुलिस पोस्ट पर 2 अगस्त को पेश आए धमाका मामला में दो अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी रामबन मुमिता शर्मा ने इस जमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कार्रवाई से मुतल्लक तफसीलात बताई हैं। वाजह रहे कि साल 2019 में 2 अगस्त को गोल रामबन में पेश आए धमाका में दो पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए थे। गुज़श्ता रोज कोलगाम के रेडवानी इलाका में पेश आई झड़प में जख्मी होने वाला आम शहरी अपने जख्मों से जाबराना हो सका। वाजह है कि गुज़श्ता रोज कोलगाम के रेडवानी इलाका में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग ए तबादला अमल में आया था, जिसमें एक आम शहरी और एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए थे। ताम जुमा की शब आम शहरी अपने जख्मों से जानबरा हो सका। इस झड़प में अस्करियत पसंद इलाके से बच निकलने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश बदस्तूर जारी है। नाजरीन आपको बताते चलें कि दो रोज कबल ही रामबन में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद की जानें गईं और 18 अफराद जख्मी हो गए थे। ताहम उधमपुर में आज एक मिनी बस खाई में गिरने के नतीजे में 8 तुलबा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बमरेन देहात से उधमपुर जाने वाली मिनी बस मसूरा इलाका के करीब सड़क से मुतसल खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 8 तुलबा जख्मी हो गए। हादसा के बाद फौरी तौर पर मुकामी लोगों ने राहत व बचाव
टीम के हमरा बस से निकाला और जख्मी तुलबा को जिला अस्पताल उधमपुर में मुंतकिल किया गया। हादसा में मिनी बस को शदीद नुकसान पहुंचा है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि कोविड की सूरतहाल पर हुकाम की जानिब से करीब से नजर रखी गई है। हुकूमत इस जमन में हर मुमकिन और बर वक्त इकदाम के लिए तैयार है। कश्मीर में कोविड केसेस में इजाफा के तनाजर में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि इंतजामिया इस जमन में संजीदा है और सूरतहाल पर करीब से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बिलखसूस वादी कश्मीर में पिछले चंद दिनों के दौरान कोविड केसेज में तश्वीशनाक इजाफा हुआ है और हुकाम की जानिब से सूरतहाल से निमटने के लिए करीब से नजर रखी जा रही है। तमाम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और दीगर तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करने की हदायत दी गई है। तमाम तालीमी इदारों और महकमा जात में कोविड कवायद पर अमल करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। नाजरीन आपको बता दें कि राजौरी में गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में चार अफराद झुलस गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के आज गवर्नमेंट स्कूल राजौरी में गैस की अखराज के नतीजे में अचानक आग भड़क उठी जिसके नतीजे में टीचर समेत चार अफराद झुलस गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि मुकामी लोगों की जानिब से बर वक्त मदद के नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सात मुहर्रम अल हराम के मौके पर आज शिया मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर में जुलूस अलमदार बरामद किया। सात मुहर्रम के मौके पर हसूसी मजालस से मुनक्कद किए गए और जुलूस बरामद किए गए। इस मौके पर अजाजदारों ने सीना कोबी करते हुए शहदाए करबला इमाम हुसैन हजरत इब्बास अलमदार हजरत इमाम कासिम की शहादत खिराज पेश किया। इमाम बाड़ा बडगाम बैमनिया श्रीनगर इमाम बाड़ा जदीद पुंछ मंडी में मजालस का अहतमाम किया गया और अजदाराना जुलूस निकाले गए। लाल चौक श्रीनगर में पानी की सबीलें लगाई गई। मसीहत को हजरत मसीह को हजरत मरियम को अंबियाई बनी इसराइल को किदासत बख्शी। जिस मरियम को तोहमत लगाई गई उस मरियम को कुरान ने ताहिरा और पाक करार दिया। इसी तरह इस्लाम को बका देने वाला, इस्लाम की क़िदासत, इस्लाम के मुकद्दसात को जिंदा रखने वाला करबला के मैदान में रोज़ आशूरा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी कुरान की सुन्नत को बहाल करके इस्लाम की गई हुई इज्जत, इस्लाम की गई हुई क़िदासत को दोबारा लौटाया और ऐसी कुर्बानी दी जो इस्लाम की बका, इस्लाम की किदासत को रहती दुनिया तक कायम और दायम रखेगी। अल्लाह रहमान रहीम। हुसैन अलैहिस्सलाम स्टूड फर्म अगेंस्ट द ऑपरेशन इनजस्टिस एंड टिरनी। ही रिवाइव्ड द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम बाय हिज ब्लड एंड द सैक्रिफाइसेस ऑफ हिज बिलाउड वंस। ही डिफीटेड the malicious intentions of Yazid, who was trying to pollute the sanctity of pure Islam, sanctity of Islam. Imam Sunnah alayhi salam says, even if the mountain of hardships collapse upon us, our voice is the voice of truth. Sahi Rasool, Jigar Bande Batool, Shodai Karbala, Sayyid Imam Sunnah alayhi salam ki yaad mein aaj jo yahan pe sabil lagayi gayi hai, ye Imam Hussain aur unke करबला के जो करबला के 72 शहीदों के नाम जो यहाँ पे लगाई गई है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए, इंसानियत के लिए जो कुर्बानी दी है उसको आज याद किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे शबील लगाई गई है। तो तमाम बगैर मजहब मिल्लत सब ने यहाँ पे शिरकत की है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही एक सजदा शबीरी। शैतान लईन रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज सात मुहर्रम अल हराम की शब है। हज़्ब दस्तूर साबिक इस साल भी अजमन जाफरिया पुंछ की जानिब से हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद नवासाए रसूल सरदार जवानाने जन्नत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, 10 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी में बारगाह एजदी में अजीमुशान और बेमिसाल कुर्बानी जो पेश की गई थी उसकी याद में आज फिर जुलूस अज़ा जो है अजमन जाफिया पुंछ की जानिब से तकिया सैयद पहलवान शाह से बरामद होकर मुकामी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह आलिया में इख्तिताम पजीर होगा। और इस जुलूस अज़ा में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर तबका के लोग, हर मजहब के लोग जो है वो शरीक हो रहे हैं। तंजीमुल मोमिनीन मंडी और नौजवानों ने तंजीमुल मोमिनीन मंडी जो है
हर साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम की सातवीं को जो है सबील का अहतमाम करती है। इसका मकसद ये है कि ये सबील करबला के उन शहदा की याद में मुनक्की दी जाती है जिन्होंने करबला के मैदान में जो है अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, तो उसी की याद में आज की सबील का जो है अहतमाम किया जाता है, जहां हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करता है और सबील का पानी अकीदत की सूरत में जो है वो पीते हैं। क्या आज मुहर्रम अल हराम की सातवीं तारीख है और ये सातवीं तारीख मुनासिबत रखती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से, और जैसा कि साला है साल की तरह तंजीमुल मोमिनीन मंडी के बैनर के तले नौजवानों ने मंडी हर साल सबील इमाम हुसैन का अहतमाम करती है, और इस साल भी नौजवानों ने मंडी ने सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अहतमाम आज मैन मार्केट मंडी में किया है, और इस सबील में हमने राह चलते तमाम अफराद को इस सबील से सैराब किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी न किसी एक मसलक, न किसी एक मजहब, न किसी एक फिरके के लिए दी, बल्कि आपने अपनी कुर्बानी को पेश करके पूरे इस्लाम को, पूरी दुनिया को हयात जाविदानी बख्शी। आज उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जो मुहर्रम अल हराम के अयाम चल रहे हैं, आज सातवीं मुहर्रम अल हराम है, जिस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के की फैमिली पर ये पानी बंद कर दिया गया है, और उस प्यास को महसूस करके हम चाहते हैं कि कोई प्यासा ना रहे, और ये इनिशिएटिव्स हम लेते रहेंगे कि जहाँ पे भी पानी का पहुँचना मैसर ना हो, और ख़ासकर महंगाई की सूरत में जहाँ पे पानी पहुँचाना नामुमकिन है, हम वहाँ पे अब्बास आलमदार जो भाई थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनका शबीहा बन के हर किसी तक पानी पहुँचाए। नाजरीन, रामबन के मायत्रा इलाका में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख्वातीन विंग का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़द किया गया। कन्वेंशन की सरबराही पार्टी की सीनियर लीडर व ख्वातीन विंग की सरबरा सुषमिया फिरदौस ने की। इस कन्वेंशन में रामबन के मुकामी खातून लीडरान DDC कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैं कहूंगी कि 100% इन लोगों ने जहां भी हमें जाना होता है इलेक्शन के अंदर हमारे साथ हमारी लेडीज शाना बशाना चलती हैं। आप देखिए, यही मेरी माँ बहने कितनी महंगाई की जो मार अगर कोई इस वक्त जूझ रहा है तो वो मेरी माँ बहने जूझ रही है। कम से कम हुआ तो सही, पहली दफ़ा तो अगर हुआ है हुआ तो सही। इसके लिए मैं इन सब को मुबारकबाद देती हूँ जो यहाँ के लीडरान हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि रामबन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर दूर दराज इलाकों से लेडीज़ को आना पड़ता है, औरतों को आना पड़ता है, बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं, रास्ते ठीक नहीं है, तो इनके लिए भी मैं बड़ी मशकूर हूँ। कम अज़ कम हम कहते थे इनको कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हमने हमेशा चाहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कि औरत को जो उसके राइट्स हैं, हमने हमेशा बात की है ड्यूटीज़ की। बात यह है जो आपने कहा कि सरकार कहती है कि नवंबर में हो, खुदा करे कि ये सच हो, क्योंकि आज तक जो सरकार है दिल्ली में बैठे उन्होंने कभी सच बात नहीं बताई, वो बहुत झूठ बोलते हैं। उनका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये झूठ पर ही बना हुआ है। हम देखते हैं कहाँ तक वो सच बोलते हैं, कहाँ तक बोलेंगे और कहाँ तक इसका हकीकी रंग उसको मिलेगा। दूसरी बात, आपने चुनाव वगैरह वैली की बात की है कि वहाँ पर कोई कमज़ोरी नहीं है। हम चाहते हैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट होगा आपको वहाँ भी आना पड़ेगा, हमारा बहुत बड़ा जलसा वहाँ भी। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने सेहत के फरोग के लिए न्यू होम स्टे पॉलिसी का आगाज़ किया है। महकमा सेहत ने जम्मू कश्मीर में होम स्टे घर पर सियाहों को ठहराने की इजाज़त देते हुए इसके लिए सहूलियात फरम करने की एक मुहिम शुरू की है।
महकमा सियाहत जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी सरमद हफीज़ के मुताबिक ये एक ऐसी पेश रफ्त है जिसके ज़रिए जम्मू कश्मीर में न सिर्फ सियाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि ज़मीनी सतह पर मुकामी लोगों को अपनी माशियत को बेहतर करने का मौका फरहम होगा। ज़मीनी सतह पर लोग शोबाए सियाहत से जुड़ते हुए अपनी माशियत को बेहतर बना सकेंगे। न्यू होम स्टे पॉलिसी के तहत गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। आम अफराद होम स्टे पॉलिसी के तहत अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पेश रफ्त का एक अच्छा रद्द अमल भी मिल रहा है, लोगों की जानिब से इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि होम स्टे पॉलिसी के जरिए कश्मीर में न सिर्फ सियाहों को सहूलियात फरम होंगी बल्कि मुकामी बाशिंदों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। होम स्टे का जो इन्होंने आज स्टेप उठाया है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है यहाँ पे ज़्यादातर कश्मीर में, तो इससे बेरोज़गारी का जो मसला है वो ऑलमोस्ट किसी हद तक मुझे लगता है कम हो सकता है। तो इससे जो यूथ है वो इसमें इसका होम स्टे के काम में थोड़ा बिजी रह जाएंगे, तो ये होम स्टे हमारे लिए भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। मुझे लगता है कि मानसबल जितने भी लोग इर्द गिर्द में इसमें रहते हैं तो उनके लिए एक बेनिफिट पॉइंट हो सकता है। ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा ये मेहता साहब चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो यहाँ पे ये कदम उठाया है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सभापुरा ब्लॉक में यहाँ पे हाई क्वालिफाइड लड़के हैं जिनके लिए ये एक अच्छा सा कदम साबित हो सकता है। It's a great initiative by the tourism of Kashmir, as I will tourism department of the Kashmir, as I will say it will boost the economy of the unemployed youth in Kashmir, as they are trying to get the jobs, but unfortunately this time it is very difficult to get the government job. So I think this is a really nice initiative to get our lives better. Yeah, this is first time, as recently it was announced by the LG of the Kashmir that we are taking the initiative to make these home stays, so this is the first time that I am in it. नाजरीन, राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की रोड तैमीर मुतालबा करते हुए मुकामी ताजरीन ने मुकामी बाशिंदे और तुलबा ने धरना दिया है। धरना देने वाले मुजाहिरीन ने कहा है कि गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रोड इंतहाई ख़राब और मखदूश हो चुकी है। मुकामी लोगों ने या तुलबा सभी को सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इस मसला के लिए हल के लिए ज़िला इंतजामिया से अपीलें की गई हैं लेकिन ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है। बीसी यूनिवर्सिटी हाय हाय, बीसी यूनिवर्सिटी हाय हाय, तो हमें आवाज दो। पिछले कई सालों से इस रोड की जो हालत है वो बड़ी बद से बुरिद है। यहाँ पे लोकल तरीके से अलग अलग डेपुटेशन के शेप में डीसी साहब को सब बार बार जाके मिले, उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। यहाँ पे जो हमारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी बैठे हैं वो बच्चों की जिंदगियों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वो एक दिन वर्क सस्पेंड करें, वीसी यहाँ पे एक दिन एलजी साहब को ये नोटिस लिख दें, एक लेटर पास कर दें कि मैं यूनिवर्सिटी का वर्क सस्पेंड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो जान हथेली पर लेके यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। यहाँ रोड चलने लायक नहीं, यहाँ पैदल चलने लायक रोड नहीं है और गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगी। मैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप रोड की हालात प्रैक्टिकली देखें। यहाँ पे इतने बड़े गड्ढे हैं कि ये बड़े से बड़ा ट्रैक्टर भी जो है और यहाँ चलना, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी यहाँ चलना जो है वो मुश्किल है। जो बच्चे यहाँ से सुबह गुजरते हैं, हम लोग यहाँ से अपनी दुकानों पे अपने काम काज के लिए निकलते हैं, वो 2400 घंटे हम अपनी मौत जो है हथेली पर लेके गुजरते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ की कोई भी इलम नहीं है, वो मस्त है, लोग मरे लोग जिए, उनको इस चीज़ से किससे भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे दो बार इस रोड का टेंडर हुआ, हमारे लोगों की यहाँ जमीनें काटी गई, उन लोगों को अभी तक एक रुपया मुआवजा जो है वो नहीं मिला है। कि पिछले 1.5-2 महीने से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारे साथ फेक प्रोमिसज कर रहा है। जब भी हम अलग अलग डेपुटेशन लेके जाते हैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट के पास, वो यही कहते हैं जनाब विद इन डेज हम काम शुरू कर रहे हैं, विद इन डेज काम शुरू कर रहे हैं। और एक महीने से ज़्यादा गुजर चुका है,
ये हमारे साथ ऐसे ही फेक प्रॉमिसेस करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज की सरकार हमारी ये कहती है सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एम्प्टी स्लोगन्स हैं, कोई सबका साथ कोई सबका विश्वास नहीं है। हमारी यही डिमांड है कि एक तो डीसी साहब आएं, हमें रिटर्न में अश्योर करें कि इस रोड का काम अगले एक दो दिन में होगा, तभी हम ये स्ट्राइक ऑफ करेंगे। और नाजरीन, CPW कंटेनमेंट पैड वर्कर्स ने आज रामबन में DC ऑफिस के रूबरू धरना दिया। धरने में बड़ी तादाद में वर्कर्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने SRO 520 पर अमल करते हुए एक मुस्तकिल पॉलिसी वाजे करें। उन्होंने महकमा तालीम से भी मुतालबा किया कि वो वर्कर्स से किए गए वादों की तकमील करें। उन्होंने कहा कि मुतासरीन में CPW में खिदमात अंजाम देने CPW वर्कर्स सरकारी स्कूल्स की तामीर के लिए अपनी अराजियात फरम करने वाले मुतासरा खानदान भी मौजूद थे। हम 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 30 रुपए पे कुक मिड डे मील चलाते हैं हम। तो गवर्नर, ये हमारी अपील है गवर्नर साहब से, हम करते हैं अपील गवर्नर साहब से, ये अपील करते हैं हमें परमिट किया जाए और हमारी तनख्वाह जो है वो भी बढ़ाई जाए। और 30 रुपए पे हमारा घर नहीं चलता है। और जिस लैंड डोनर भी हैं हम, CPW भी हैं हम, कुक भी हम ही हैं, ज़मीन हम लोगों ही नहीं दी है, डोनेट की है ना, हमें वो आगे फाइलें ले जाते हैं और ना हमें वो कोई बेनिफिट उसका मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लिख के दी। वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे ये चारे हम करते हैं, दूसरी रिक्वेस्ट मैं गवर्नर साहब से करता हूँ कि जब से भी रमसा के तहत हमारे मिड डे मील की जो स्कीम आज तक 2005 से लागू की थी, 2022 आज चल रहा है, तो आज तक ये स्कीम जो थी नज़रअंदाज की गई, इस पे कोई नज़रसानी नहीं की गई। मैं गवर्नर साहब से खास करके अपील करना चाहता हूं, और यहां का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन में इस टाइम आए, हमारा एक प्रोटेस्ट है, एक पहले हुआ, हमारी जो तनख्वाहें हैं वो वक्त पे नहीं हमें वागुजार होती हैं। और हमारी गवर्नर साहब से ये अपील रहेगी, हम लैंड ओनर भी हैं, हमारे कुक भी हैं, हमारे ज़मीनें भी गई हैं, CPW भी हमारे हैं, लेकिन खाली लॉलीपॉप के सिवा हमें कुछ देते नहीं हैं। रोज़ हमें प्रोटेस्ट करने हैं, रोज़ प्रोटेस्ट करने हैं, सर क्या फ़ायदा है ऐसा प्रोटेस्ट करने में, कुछ हासिल होता नहीं है। पिछले बार हम ये चाहते हैं कि हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारा ये मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए, एक रेगुलाइज किया जाए हमें, और कुकों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। 1000 रुपये टोटल तनख्वाह है, 1000 तनख्वाह से क्या। सात मुहर्रम अल हराम के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में सुन्नी और शिया मुसलमानों की जानिब से इत्तमात और मजालिस का अहतमाम किया गया और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश की गई। पुंछ के मंडी इलाका में वाक़ जामा मस्जिद बलालिया गुसिया बायल में आज जिक्र शहदाए करबला के तहत एक जलसा का इनकाद अमल में लाया गया। हाफिज अब्दुल मजीद मदनी ने इस जलसा को मुखातिब करते हुए वाक़ करबला पर रोशनी डाली। इस जलसा में दीगर उलमा और मशाइख भी शामिल रखे। के नाम से मदरसा जामिया गौसिया बिलालिया की तरफ से जामिया मस्जिद शरीफ बिलालिया गौसिया में एक अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे तहसील मंडी से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मुतअद्दिद उलमा इकराम तशरीफ लाए और उन्होंने ज़िक्र शुहदाए करबला फरमाकर पूरी अवाम उन्नास को जो है मुस्तफीज़ फरमाया कि ये मुहर्रम अल हराम का महीना है तो इस्लामी साल का आगाज़ इसी माह से होता है, बड़ा मुतबर्रक और अजमत वाला हुरमत वाला महीना है। इसी माह के अंदर जो है 10 मुहर्रम अल हराम को करबला के अंदर नवासे रसूल
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے دیگر رفقائے کار کے ساتھ میں اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے جامع شہادت آپ نے نوش کیا. تب سے لے کر اب تک اس صبح قیامت تک ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والے اسلام کی عظمت کے لیے جتنے بھی لوگ باقی رہیں گے وہ شہداء کربلا کے یاد میں مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو سیرت اہل بیت اور فضائل اہل بیت اور ذکر شہداء سے جو ہے سامعین کو محفوظ فرمائیں گے. تو نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں اعمال و عقائد کے اعتبار سے, ان تک جو ہے یہ جو پیغام پہنچانا ہے شہداء کربلا کا ضروری ہے, تاکہ ہمت حوصلے کے ساتھ میں ضمیر کو زندہ رکھ کر کے وہ جرت کے ساتھ میں زندگی بسر کر سکیں. اسلام کے خلاف سازشیں کل بھی ہو رہی تھیں, آج بھی ہو رہی ہیں اور کل بھی ہوں گی. ان سازش کو ناکام کرنے کے لیے ذکر شہداء کربلا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے نوجوانوں تک پیغام پہنچنا چاہیے, اس لیے تمام مساجد میں, محلے میں, مدرسوں کے اندر, لوگ گھروں کے اندر بھی ان محفل کا محافظ کا. پونچ کے تھانہ منڈی علاقہ میں واقع گورنمنٹ میڈیکل اسکول شاہدرہ شریف مکفل ہونے کی شکایات ملنے پر تحصیلدار تھانہ منڈی ساحل علی شاہ نے اسکول پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا. اس موقع پر تحصیلدار نے اسکول کے مکفل ہونی وجوہات دریافت کرتے ہوئے کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. شادہ شریف وزٹ پہ تھا تو وہاں پہ یہاں گرلس مڈل اسکول شادہ شریف جو زیادہ درگاہ شادہ شریف کے پاس میں ہیں, جب وہاں پہ وزٹ کیا تو تقریباً 1:30 بجے میں نے پایا کہ وہ اسکول جو تھا اس کے سارے رومس ہوتے وہ لاکڈ تھے. میں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور آلریڈی ریٹن میں جو ہے ہم نے ان کی جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے ان کی ایکسپلینیشن کال کر دی ہے کہ وہ ایکسپلین کرے اپنی پوزیشن کہ آخر ان کا اسکول لاکڈ کیوں تھا. تو جیسے ہی ان کا جواب, اس 2 دن کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے, 2 دن میں جواب آتا ہے تو اس کے آگے جو تحت ضابطہ کارروائی ہوگی وہ عمل میں لگ جائے گی. بوائز اینڈ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں 25 RR فوج کی جانب سے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت طلبہ میں ترنگے تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں طلبا کی بڑی تعداد نے حصہ لیا, جبکہ استاذہ فوج کے اعلی عہدیدار بھی اس موقع پر موجود رہے. آج کل ہر گھر ترنگا, گھر گھر ترنگا. تو اس سلسلہ میں آج 25 RR کی جانب سے یہاں ایک کیپٹن صاحب آئے اور ان کی ٹیم آئی, ہمارے بچوں نے اس میں شمولیت کی ایک ریلی کے طور پہ, اور یہ ایک میسج تھا, ایک پیغام تھا, اس پیغام میں ہم سب شامل ہوئے. ہمارے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی کی بچیوں نے اور اسٹاف ممبرس نے بھی اس میں شمولیت کی, اور یہ بھارت کا جو ہمارا پرچم ہے, یہ ہمارے ملک کی شان ہے, یہ پہچان ہے, اور یہ ہر گھر تک ایک میسج جائے گا. اس میسج میں ہم اس پیغام میں شامل ہوئے. 25 RR آرمی کی جانب سے انہوں نے ہمیں یہاں پہ سکھایا بھی کہ گھر گھر جھنڈا, گھر گھر جھنڈا. تو میری اپیل ہے کہ اس میسج کو ہر ایک آفس, ہر ایک اسکول تک پہنچائے, ہر اسکول میں یہ آرگنائز کیا جائے کہ ہر گھر جھنڈا ہونا چاہیے, گھر گھر جھنڈا. بھارت ہماری شان ہے اور جھنڈا ہماری پہچان ہے. اور بچوں سے ہر گھر ترنگا کے لیے جو ریلی ہے وہ نکلوائی اور بتایا کہ کس طریقے سے یہ میسیج جو ہے گھر گھر تک پہنچے, ہر انسان تک پہنچے کہ جو ہمارا قومی جھنڈا ہے, یہ ہماری نشان ہے, یہ شناخت ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں لہرایا جاتا ہے, اس کی عزت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, کہ 15 اگست سے پہلے ہم تمام لوگ جو ہیں ہر گھر ترنگا جو ہے, ہر گھر کے اوپر ترنگا لہرائیں, کیونکہ ترنگا جو ہے وہ ہم لوگوں کے دل کے اندر ہے, ہماری روح کے اندر ہے, ہمارے ملک کی شان ہے. سورن کوٹ میں ٹیچرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ اور
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से अपील की है कि उनके मुतालबात की यकसोई की जाए। टीचर्स की सरबराही करने वाले मोहम्मद यूसुफ शाह ने टीचर्स को खिदमात पर मुस्तकिल करने, ओहदों पर तरक्की देने और दीगर मुतालबात पूरे करने की मांग की है। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी सुरनकोट की आज एक अहम मीटिंग हुई यहाँ लगभग 4:30 बजे। बहुत सारे उसातजा के जो मसाइल हैं उस पर बातचीत हुई। मुख्तलिफ विलेज से ताल्लुक़ रखने वाले उसातजा ने यहाँ शिरकत की और सबसे यहाँ पे जो बड़ा इशू जो देखने को मिला वो था MDM इंग्रेडिएंट्स। मिड डे मील चलाने में उसातजा को बहुत दिक्कत आ रही है। आप देख रहे हैं कि GST लग चुकी है हर एक चीज़ पर। तेल जो है वो 300 से 400 रुपये किलो हो चुका है। मिड डे मील चलाने में इन उसातजा को बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। पिछले फरवरी से यानी फरवरी 2022 से अभी तक जो है इन लोगों को इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो MDM चला रहे हैं उसातजा हैं, जो MDM इंचार्ज हैं, उन्हें परेशानी आ रही है। हम इस ज़मन में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारा फंड्स जो है, हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है वो रिलीज़ किया जाए। इसके साथ साथ हमारा टाइम बॉन्ड का मसला है। जिन लोगों को जुलाई 2022 में टाइम बॉन्ड जिनका ड्यू है, मैंने सुना है कि पुंछ में कहा जा रहा है कि कमेटी जो है वो महीने में एक बार बैठती है। बड़े अफसोस की बात है, अगर पुंछ में कमेटी एक महीने में बैठेगी, रामबन में, कठुआ में, जम्मू में टाइम बॉन्ड रिलीज़ हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक टाइम बॉन्ड जो है, हमारी लिस्ट जो है वो पेंडिंग है। तो हम गुजारिश करते हैं CO साहब से कि फिल फोर जो है कमेटी को बिठाया जाए और इन लोगों का जो टाइम बॉन्ड है वो क्लियर किया जाए। हमारे बहुत सारे स्कूल जो है 50% स्कूलों से हमारा स्टाफ उठा के तहसीलदारों के साथ जो है अटैच कर दिया गया है। वहाँ खसरा गिरदावरी और जमाबंदी जो है वो डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो वहाँ रेवेन्यू का काम है। रेवेन्यू के अंदर बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े एफिशिएंट लोग हैं। टीचर जो है उसको खुदा के लिए पढ़ाने पे सिर्फ उसको छोड़ा जाए, टीचर्स को जो है सफर ना किया जाए। नाजरीन, पुंछ मंडी के दाना इलाका में एक खातून बरकी शाख लगने के नतीजे में जाम बहक हो गई। खातून की शनाख्त परवीन अख्तर जोजा खादम साकन दाना अदा करन से की गई है। बताया गया है कि खातून के बशमूल एक बैंस भी बरकी शाख लगने के नतीजे में खलाक हो गई। मुकामी लोगों और मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने अपने शदीद गम व गुस्सा का इजहार करते हुए खातून की मौत के लिए बरकी महकमा की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ताहम पुलिस ने इस जमन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरी सिस्टर है प्रवीण अख्तर, इसकी जो डेथ हुई है इसका कारण ये रहा है कि बिजली की तार जो है वो एक दरख्त के साथ बांधी हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इस वक्त भी हमारी पंचायत के अंदर जो है वो पेड़ों के साथ तारें बंधी हुई हैं और ये तार जो है 2 दिन से गिरी हुई थी। कोई भी जो महकमा वाला है वहाँ नहीं पहुँचा, और जब इसकी लड़की की डेथ हुई, जब इसको करंट लगा, तो उसके बाद उसके पीछे हाई सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर से हाड़ीबुड्डा तक जो है बच्चे स्कूल में जाते हैं वो आए, और डन्ना धकड़ा के बच्चे आए, और अगर किसी को भी करंट लग सकता था, लेकिन वहाँ वो के पे कोई भी डिपार्टमेंट वाला उस वक्त तक नहीं पहुँचा। महकमा को कोई परवाह ही नहीं है। AA को मैंने फ़ोन किया मंडी में कि भाई आप वहाँ पहुँचो, यहाँ करंट लग गया लड़की को, वहाँ कोई भी नहीं है। उसके बाद डेड बॉडी को मंडी हॉस्पिटल में लाए गए और यहाँ आके जो भी कानूनी लवाजमात थे वो पूरे किए गए। उसके बाद लाश जो है वो हमें दी गई कि हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। इस लड़की के 2 बच्ची रह गई हैं, वो बेचारी बच्ची क्या करेंगे, किसके सहारे में वो जिएगी। कि PDD के मुलाजमों की जो लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जो बिजली की तार है वो पेड़ के साथ बांधी हुई थी, और वो तार वहाँ से स्पार्किंग करके नीचे रोड में गिरी, और उसकी वजह से जो मेरे गांव की एक औरत है परवीन अख्तर, वो अपनी भैंस को लेके घर जा रही थी, तो अचानक रास्ते में जाते ही उसको भैंस को भी करंट लग गया और उसको भी उस तार ने पकड़ लिया। वहीं मौके पे उन दोनों की मौत हो गई। मैं डिपार्टमेंट को ये कहूँगा कि जो बिजली की तारें पेड़ों के साथ बांधी हुई हैं। श्रीनगर में आज आम आदमी पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया गया। दिल्ली की रियासती हुकूमत के मिनिस्टर व आम आदमी पार्टी लीडर इमरान हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।
इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कई एक स्कैम्स किए गए हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है बहुत अहम मुद्दे के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। आज ये बेरोजगारी को लेकर, आज जम्मू एंड कश्मीर में जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको लेकर ये हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ JKPI का स्कैम हुआ है, SI घोटाला हुआ है, और उसके अंदर कल यहाँ रेड वगैरह भी काफी हुई, और उसके अंदर TDC मेंबर जो BJP से ताल्लुक रखते हैं उनके भाई बेटा मीडिया के जरिए पता लगा, वो भी मुलव्वस पाए गए, और अभी तक उनके ऊपर कोई सरकार ने, कोई SG साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मेरी गुजारिश है, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, अगर इस तरीके के किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। और यहाँ पे जल विभाग के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से मांग कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें उन्हें टाइम पे नहीं मिल रही, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, और वो एहतजाज कर रहे हैं और परमानेंट होने की भी बात कर रहे हैं। तो उनको लेकर भी जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, और उसके बाद उनके जो लीडरान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर लाठी बजाई गई। उनकी मांगे जायज हैं तो उसको मानना चाहिए, उनके टाइम पे सैलरी देनी चाहिए, हमारी ये भी मांग है। और अभी मैंने खुद चिट्ठी लिखी थी LG साहब को, जो यहाँ फायर इमरजेंसी घोटाला हुआ था उसके सबूत देने के लिए LG साहब से टाइम मांगा था, और आम आदमी पार्टी ने उसका खुलासा भी किया था PC कर, तो उसके लिए भी LG साहब ने, हम लोग सबूत देना चाहते थे, अभी तक उन्होंने टाइम हमको नहीं दिया उसके लिए। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर के जो नौजवान है, आज इतने काबिल बच्चे भी यहाँ पे बेरोजगार हैं। पिछले 2013 से यहाँ वैकेंसी तो क्रिएट कई बार हो जाती है, वैकेंसियां तो आती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वैकेंसी के नाम पर स्कैम होता है और बाद में उसे कैंसिल कर दिया जाता है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पुंछ के मैंडर और राजौरी के थाना मंडी इलाकों में आज आम आदमी पार्टी की जानिब से रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में मोदी सरकार की पॉलिसियों, बढ़ती महंगाई और करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया गया। हमारा जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर था, हर असेंबली सेगमेंट के अंदर हमने जितने भी अपने कार्यकर्ता, जितने भी वॉलंटियर्स थे, उन सबको इकट्ठा होकर, तो हमारा जो मुद्दा था वो था करप्शन के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, क्योंकि हमारे देश का जो है अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। तो देश की बात करें अगर तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 से जब से ये मोदी सरकार आई है और जब से इन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया, यहाँ पर स्टेट को तोड़ के LG एडमिनिस्ट्रेशन को बैठाना, वो सारा करना, तो तब से ही हमारी जो है रिक्रूटमेंट सारी की सारी ठप पड़ी हुई है 2014 से ही। रिक्रूटमेंट के नाम पर इन्होंने क्या रखा है कि भैया हर साल एक निकाल लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की, ये एडवर्टाइजमेंट इस डिपार्टमेंट की, ये इसकी, ये इसकी, इसकी। हमारे अभी भी लगभग 80,000 के आसपास की जो वैकेंसीज हैं वो डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उसको फिल ना करके ये सिर्फ क्या करते हैं कि हर साल एक फॉर्म भरवाया जाता है, ये भी एक स्कैम है। आज जो हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, पद यात्रा थी, इसका मकसद अंधी बैरी सरकार को जगाना है। जो ये अंधी बैरी सरकार हमारे तमाम भी जो भी इशू है हमारे, उनको एड्रेस करने में नाकाम हुई है। यहाँ बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, उसके बाद डेली वेजर का मसला हो, SPO का मसला हो, उसके बाद आशा वर्कर का मसला हो, हेल्थ वर्कर का मसला हो, रबर जंगलात का मसला हो, किसी भी मसले को ये हल करने में नाकाम हुई है। और एक आम आदमी जिसको ये बोझ तले दबा रही है दिन ब दिन, चाहे वो GST हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे गैस हो, आज गैस 1,150 रुपया हो गई है, क्या BJP के सरकार में आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी जो उस वक्त जलसे और जुलूस हड़ताले किया करती थी। वारिसन कपवाड़ा में फौज की जानिब से आज मवेशियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। कपवाड़ा के दूर दराज इलाका गुज्जर वारिसन में मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया, जिससे करीब 150 मवेशी रजू किए गए, जिनकी तशखीस के बाद इन्हें मुफ्त अद्वियात और मुख्तलिफ टीके दिए गए। स्मेल आती है।
जी हाँ नाजरीन आपको बताते चलें कि कुलगाम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ईट राइट मील का एहतमाद अमल में लाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में इस मेले का इनकाद अमल में लाया गया। डीडीसी सरबरा मोहम्मद अफजल परे ने इस मेले का इफ्ताह अंजाम दिया। महकमा फूड सेफ्टी के अहदेदारान ने भी इसमें शिरकत की। एनएसएस वॉलंटियर फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम, यहाँ पे जो मेला ऑर्गेनाइज हुआ ईट राइट वाकेथन मेला इन कोलैबोरेशन विद एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम विंग ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो यूथ है वो ही नेशन बिल्डर्स है और यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है वो अनअवेयर है टोटली अबाउट हाउ शुड वी ईट, वट शुड बी द फूड हैबिट्स, यू नो। सो यहाँ पे जो लोग हैं उनको पूरी तरह से वो उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, जैसे हम नून चाय पीते हैं, और लिप्टन टी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर जो है वही हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल भी हम 183 बटालियन CRPF और महकमा सोशल फॉरेस्ट्री पलवामा के इश्तराक से पलवामा में शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में CRPF और सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने शिरकत की और पौधे लगाए गए। We have been given target by our higher ups to plant around 940 in our camp. So I have been detailed as a nodal officer for Pulwama. So accordingly, we have approached our district forest officers to provide us some saplings as per direction of our higher ups. Accordingly, the DFO of Pulwama is so pleased to provide us sufficient saplings, and accordingly we started this digging for plantations last about 2 weeks, and today we have been really beautified our area, and this will prevent from deforestation, environmental pollution. शोपियान में आज 75वें यौम आज़ादी हिंद के पेश नज़र तिरंगा मुहिम चलाई गई। मिनी सेक्ट्रेट शोपियान में आज मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा ने यौम आज़ादी हिंद तकरीब से कबल मश्क में हिस्सा लिया और तिरंगे लहराते हुए कौमी तैराना पड़ा। यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से बच्चे यहाँ पे आए और वो गैदर हुए हैं, एंड वी आर फीलिंग वेरी वेरी गुड अभी है, एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू हाइस्ट द फ्लैग, एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1200 से ज्यादा बच्चे आए हैं। बडगाम के करालपुरा माइग्रेंट कॉलोनी में पुरअसरार धमाका, पुराना शैल फट पड़ा इब्तदाई। नाजरीन चलिए डालते हैं एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बडगाम के करालपुरा माइग्रेंट कॉलोनी में पुरअसरार धमाका, पुराना शैल फट पड़ा इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस की तौसीक। दहली शेर कार ने आज तक कभी सच नहीं बोला, ये हमेशा झूठ बोलती है। खवातीन विंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास से शमीमिया फिरदौस का खिताब।
2 अगस्त साल 2019 में रामबन धमाका केस में की गई पेशरफ्त। गोल मामला में दो अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में 7 मुहर्रम के मौके पर आजादाराना जुलूस का अहतमाम। शहदाए करबला को पेश की गई सलामी। तहजिए किए गए बरामन। पुंछ के दाना इलाका में बर की शाख से खातून हलाक। मुकामी लोगों ने किया एहतजाज। बिजली महकमा पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। कश्मीर में न्यू होम स्टे सेहती पॉलिसी को किया लॉन्च। श्रीनगर में मुकामी लोगों ने किया इस्तकबाल। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।